सुनिए जी, अपना संजू कहाँ है? मिल गया। संजय मतलब आपका बेटा है ना सीताराम जी? नहीं तो क्या समझ रहे थे, मेरे जीजा जी का इकलौता बेटा है, बहुत दिमाग वाला, हैदराबाद में अच्छी नौकरी कर रहा है। क्यों जीजा जी, अपने बेटे की शादी वादी नहीं करवानी क्या? रानी चाहिए। हो चुका है। हा? क्या जीजा जी, बेटे की शादी कब हो गई? उसकी शादी की नहीं, ये हो चुका है। अच्छे दिए हैं जीजा जी। नहीं तो क्या, उसकी शादी की बात मुझे कैसे पता चलेगी? वो आकर कहेगा कि पापा मेरी शादी हो चुकी है तो पता चलेगा ना। मजाक अच्छा कर लेते हो जीजा। एक्सक्यूज मी, माचिस मिलेगी? आप ही से कह रहा हूँ, माचिस मिलेगी क्या? तुम सीताराम के बेटे हो शायद? एड्रेस भी चाहिए क्या एक माचिस के लिए? मैं कौन हूँ मालूम है? मैं तुम्हारे पिता का बड़ा पापा हूँ। ओहो, कांग्रेचुलेशन। अब माचिस मिलेगी? फिर वही बात कर रहा है तू? छोटे बड़े की तमीज नहीं क्या तुम्हें? मुझसे माचिस मांग रहा है? ए, मजाक कर रहा है क्या? मैं तेरा चाचा हूँ और ये तेरे पापा के बड़े पापा है। बाप रे, इनसे माचिस मांग रहा है? तू ही समझा इसे। अरे छोटे, तेरे हाथ में शायद ये बियर की बोतल है ना? बियर बोतल है। ऐसे छोकरों से छिनकर बाहर फेंकने के लिए जा रहा हूँ मैं। ए, वो सिगरेट दे, चल बोतल बाहर निकाल। जेब से। आप जाइए बड़े पापा, मैं इसे संभाल लूंगा, इसकी अच्छी तरह से खबर लेता हूं। आया है गधा कहीं का। ए, क्या करूं तेरा? एक माचिस दे दो, काफी है, चलो। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना। साजन साजन कहकर ऐसे सजती बैठोगी तो नहीं चलेगा पागल। पास जाकर साजन कॉफी पियोगे क्या? ऐसे पूछो। अब तक 10 बार पूछ चुकी हूँ, हमेशा ना बोलता। बार बार पूछने पर लगेगा कि दीदी ने कॉफी का होटल खोला। चुप रह। कॉफी नहीं तो छाछ तो पीजिए, ऐसा कहो। छाछ को मना करेगा तो दाल चाहिए या सब्जी चाहिए ये भी पूछ लेना। तो चुप कर, जा बाहर जा। जा रहा हूं ना। ऐसा नहीं बेटी, मेरी प्यारी बेटी है ना, पास जाकर साजन साजन कहकर प्यार से बात करो ना। ये लो कंघी। दोनों मेरी जान खा रहे हो, वो तो बात भी नहीं करता, मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा है, आपसे सिर्फ माचिस ही मांगा, मुझसे तो सिगरेट भी मांगता है। ए, कोई है वहाँ? बड़े पापा के लिए पानी तो लाना। घोर कलयुग। हाँ ले लो अपने अपने पत्ते। साजन छाछ चाहिए? नहीं नहीं, उतर जाएगी, क्या दे रही हो? अभी छाछ दही चावल ये सब नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से, अपना काम करो। चाहिए चाहिए। बाप रे, तुम लोग ये पी रहे हो? चल रे छोटू, हम चलते हैं। ए संजय, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे डार्लिंग। संजय। अरे लक्ष्मी। ए लक्ष्मी, तेरे पे लाइन मार रही है, उसे नारियल के बगीचे में ले जाकर एंजॉय कर, अक्सर शादियों में ऐसा होता है, ऐसा चांस बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू हो जा। किस लिए कह रहा हूँ समझ जा संजय डार्लिंग। ए, तू लक्ष्मी के साथ शादी कर रहा है, इसका मतलब उसके साथ भी तूने एंजॉय किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, हमारा पवित्र 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 प्यार है। क्या देखकर प्यार किया? Why? Because मैं और मेरे ससुर एक ही कास्ट के हैं। मेरे ससुर के पास सिटी में राइस मिल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं,
रहने के लिए बड़ा घर और पढ़ने के लिए पाठशाला है। और पता है इसके ससुर से भीख मंगवाने के लिए मंदिर भी है। कांग्रेचुलेशन, अपने प्यार और शादी के लिए सही कैलकुलेशन किया है। प्रॉफिट प्रॉपर्टीज, गुड, वेरी गुड। जीने के लिए यही कैलकुलेशन चाहिए रे बाबा। अगर तूने उसे ये सब बोल दिया तो समझ जा शंकर अंकल की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। थैंक्स। लेकिन मैं किसी नारियल के बगीचे के लिए या राइस मिल के लिए शादी नहीं कर सकता। अरे किस लिए कह रहा हूँ ये समझ जा। साजन, तुम यहाँ? मैंने चाय कॉफी के लिए मना किया था ना? वो सब कुछ नहीं साजन, कंपनी देने आई हूँ। कंपनी फैक्ट्री मुझे नहीं चाहिए, जाओ जाकर सो जाओ। भरी जवानी में लड़का हो या लड़की, ऐसे अकेले में नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरी फ्रेंड ने कहा। हम दोनों को अकेले किसी एकांत जगह पे नहीं रहना चाहिए, ये भी जानते हो ना? आपको भी आपके फ्रेंड ने बताया? उसके माँ बाप ने बताया। बहुत बोर हो रही हूँ साजन, सिनेमा देखने चले? अभी तक आधी फिल्म बाकी होगी। क्यों साजन कुछ बोलते नहीं हो? मेरा आना आपको पसंद नहीं क्या? पसंद है, सिर्फ सिनेमा ही नहीं लॉज भी चल सकता। लेकिन एक बात पहले से बता दूं, बाद में शादी वादी कहके परेशान मत करना, ठीक है ना? बाप रे, अरे बुरा मान गई क्या? संजू, उठ। क्या है चाचा जी, सुबह सुबह परेशान करने आ गए? सिगरेट चाहिए तो वहाँ टेबल पर रखिए। जोक बंद कर, पहले उठ, चल जल्दी उठ, अर्जेंट है। ये लो लोटा। अरे तू चुप रहे छोटे। अरे उठ यार, उठ। वो मेरी बेटी के बारे में समझता क्या है? मेरी बेटी आग है, इसीलिए तो आग लग चुकी है। बचपना होगा, मजाक में बोला होगा, गलती तो हो गई है, अब छोड़िए ना भाई। ये बात तुम क्यों बोल रही हो? ये बात वो भी बोल सकता है। वो कैसा है, उसकी परवरिश कैसी है? कल उसने मुझसे माचिस मांगा तभी पता चल गया मुझे। फिर से माचिस की बात क्यों कर रहे हैं बड़े पापा? ए मामा मामी को सॉरी बोल दे, मैटर क्लोज हो जाएगा। सॉरी बोलूं? मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने उसके पास जाके पूछा था क्या? पता नहीं किसने भेजा था, 10 बार आके मुझसे पूछा तब बोला था। क्या बोलकर पूछी बेटा, लॉज चलने बोली क्या? मुझे भी लेकर चलो। मामा का बेटा ही सोचकर फिल्म देखने के लिए पूछा था, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगा? क्या बस करो, वो भी मामा की लड़की है समझकर मजाक से बोला था, क्या इसके लिए इतना झगड़ा करना ठीक है? बस यही बात खत्म कीजिए, चल संजू चल। ए गोपाल, मजाक मत किया कर, चाहे जो भी बोल लो लेकिन मेरी बेटी को लॉज में बुलाना ठीक नहीं। हाँ तुम उसकी इज्जत उछाल रहे हो। मैंने आपकी बेटी को लॉज में चलने के लिए अकेले में सिर्फ एक बार पूछा था, और आप लोग तो सबके सामने 1000 बार बिगड़े हुए रिकॉर्ड की तरह लॉज लॉज करके चिल्ला रहे हैं, उसकी इज्जत तो आप लोग उछाल रहे हैं। चलिए चाचा जी। क्यों यार, रात को सच में लक्ष्मी को लॉज में ले जाकर एंजॉय करने की सोच रहा था क्या? क्या चाचा जी, आप भी ना? उस लड़की को सेक्स चाहिए या शादी करना चाहती है ये जानने के लिए पासा फेंका था। जान लिया? क्या जान लिया बता। उसे क्या चाहिए वो खुद नहीं जानती, बड़ों ने उसे मेरे पास भेजा था इसलिए आई थी। ये लीजिए। तो उनके भेजने की वजह से आई है बोलता है? चाचा जी, मैं उस लड़की का इस्तेमाल करके शादी से मना कर देता तो उसकी जिंदगी क्या होती, एक बार भी सोचा उन्होंने? अरे माँ बाप होने के नाते अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने कोशिश की। इन लोगों की कमजोरी देखकर मुझे दया आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। चाहे कुछ भी हो, तू जैसे पागल के लिए पक्की सेंटीमेंट लड़की मिलनी चाहिए। सुनो ईश्वरलाल, लड़की के नाम की चिट निकालो। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? नाम हंसा वाहिनी, मतलब सरस्वती माँ का नाम है। पोपट, मुझसे प्यार करने वाला पति मिलेगा कि नहीं, मेरे नाम की चिट निकाल कर बताओ ना मेरे प्यारे पोपट। ये पोपट सिनेमा नहीं देखता बेटी, पति मिलेगा कि नहीं ये तो बता देगा लेकिन प्यार व्यार के बारे में नहीं जानता। हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को? पति मिलना बड़ी बात नहीं है, प्यार करने वाला मिलना बड़ी बात है। इसमें सोचना क्या है बेटी, हसीन लड़की से कौन प्यार नहीं करता, लेकिन शादी की बात अलग है। फिर ज्योतिष की बात नहीं सुनना है क्या? नहीं सुनना है, पता नहीं ये क्या बोलेगा। छोड़ ना यार, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, चल। हाँ